कोई छोटा रफू और कोई बड़ा रफू, अरे रफू रे रफू, ये सुई भी बड़ी गजब की चीज है कसम से। कभी सुई से धागा निकल जाता है, कभी धागे से सुई निकल जाती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है ये सुई खा जाओ। लो हंस रहे हैं, अच्छा हंसलो हंसलो, मेरी तो जिंदगी लिखी हुई है फटी हुई चदरिया पे। माँ ठीक ही कहती है, तुम कपड़े बहुत बिगाड़ते हो। अच्छा तो दो दिन के लिए तुम यहाँ आई हो और माँ ने तुम्हारे भी कान भर दिए। अरे 25 किलोमीटर दूर है मेरा कॉलेज। कितने किलोमीटर? 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर जाते जाते वो भी धूप में, कपड़े तो क्या अच्छे, भले आदमी की शक्ल भी छपड़े की तरह हो जाती है। अरे क्यों नखरे दिखा रहा है अपनी बहन को? तेरा बड़ा भाई देख कितना सीधा है, तू है क्या अफसर बना जा रहा है? देख कोई आया है। अफसर बना जा रहा हूँ? काय का अफसर बना जा रहा हूँ? मैं कोई अफसर नहीं बन रहा। अरे जो तुम्हारे बड़े लड़के ना, मेरे बड़े भाई साहब, वही मुझे अफसर बनाना चाहते हैं। IAS का एग्जाम दे रहा हूँ। किसका? पहले दरवाजा खोल। IAS का? ऐसी छोटी मोटी बात थोड़ी है। अगर तुम लोग मुझसे जलते हो तो मैं IAS का एग्जाम दूंगा ही नहीं, अफसर बनता ही नहीं। मैं नहीं जाता कॉलेज, जाओ। नहीं जाऊंगा आज से कॉलेज, जाओ। क्या करोगे? कॉलेज जाऊंगा। क्यों नहीं जाएगा कॉलेज? जाऊंगा। जाएगा ना? अच्छा ये लो कपड़े लाए हो बॉम्बे से, बढ़िया जींस टी शर्ट सिर्फ तेरे लिए, तेरे लिए। ये फटी हुई शर्ट। हेलो दीदी कैसी हैं? वाह 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 वाह, रियली भैया यू आर ग्रेट, सुपर्ब। अरे क्या अंग्रेजी में गाली दे रहा है? ओहो माँ, ये गाली नहीं दे रहा है, तारीफ कर रहा है। ओह दीदी आप कभी आई? बस आज ही आई। आज आई हैं? अरे अब तो रोज ही आती रहेंगी। जीजा जी का ट्रांसफर हो गया अपने थाने। ओह कंग्रेचुलेशंस कंग्रेचुलेशंस। कम से कम थानेदार के साले का खिताब तो मिल ही गया। कॉलेज के सालाना जलसे पर अब रहीम और उसके साथी अपना प्रोग्राम पेश करेंगे।
हिंदू या मुसलमान का। चल। अरे छोड़ ना यार, आज तक कौन सा क्लास अटेंड किया ला? गुरु पार्टी दिख रही है क्या? क्या दिख रही है बाप? ललित लगता है कॉलेज में नहीं है। ऐसा मुझे भी लग रहा है। आने दे भिड़ो, हाथ डाल के देखता हूँ। छोड़ मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ मुझे। छेनो एक बार जिसका हाथ पकड़ लेता बेबी फिर जिंदगी में नहीं छोड़ता। क्या तेरी? वाह क्या मुलायम हाथ है, कहीं हाथ में मोच तो नहीं आ गई? वाह कौन है बे? तेरा बाप है बे। क्या मुलायम कंधा है, कहीं कंधे में मोच तो नहीं आ गई? अच्छा सुन, अगर जोर आजमाइशी करनी है तो किसी मर्द के साथ कर। चौकड़ी का क्या? चल रे चल रस्ता ना। अच्छा सुन, तू एक काम कर, चल मैं आता हूँ। अरे जाने जिगर, तू क्यों बीच में आ रहा? प्लीज झगड़ा मत करो, इन गुंडों के मुंह मत लगो। हट, गुंडा होगा तो अपने घर में, साला कॉलेज। जी आपका नाम? हाँ जी, गोविंदा। थैंक्स। अच्छा मैं बंबई के पटाटे, ये नौटंकी लिए कहा जा रहा है? गांव में मुजरा करवाएगा क्या इन छोकरों से? अबे ढक्कन। अबे ओ भेड़ो, अगर दोबारा मेरी गर्लफ्रेंड की तरफ देखा ना तो ऐसा फिरा डालूंगा। क्या ऐसा तड़ी पार करूंगा कि फिर दोबारा शहर में नजर नहीं आएगा, समझा? अबे तड़ी पार तो लोग बंबई में करते हैं, ये गांव है गांव। पहले मैं तुम लोगों को गंगा पार तो कर दूं। तू क्या गंगा पार करेगा, अभी तेरी वाट लगाता हूं। तुम्हारी तो सालो। आओ we
साले उठ उठ साले बोल छोड़ दे मुझे न जाया छुड़ा के भैया कसम तुम्हारे मरो पड़ूंगा साला गर्लफ्रेंड हा बाप ने कभी गर्लफ्रेंड देखी थी क्या साले अंग्रेज चले गए लल्लू छोड़ गए भेड़ो छेनो तो जानी छोड़ेगा क्या क्यों शोर मचा रखा है 200 देके 2000 लिखवा लिया मालिक पैसे लेने हैं तो लो नहीं तो दफा हो जाओ यहाँ से भिखारी कहीं के लगा अंगूठा अरे मत मारो क्या कर रहा है अरे मर गया अरे सरकार बचा सरकार बचा लो अरे मत मारो सरकार आपके पैर ये मर जाएंगे तो पैसे कहाँ से मिलेंगे इन सब की जमीनों पर कब्जा कर लो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम राम जय प्यारी माँ अरे धनेश्वर मेरे बेटे पाए लागू माँ जी जीते रहो माँ ये मेरी छोटी सी भेंट स्वीकार करो अपनी माँ के लिए मैं दुर्गा माँ की मूर्ति लाया हूँ अरे चुप चुप जियो बेटी वैसे मेरी दुर्गा तो तू ही है माँ आ गया साला कड़छा गांव में 25-50 चमचे मरे होंगे तो इस कड़छे का जन्म हुआ होगा तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो अरे क्यों ना रखूं माँ जब से तेरे इन चरणों का आशीर्वाद लेके मैंने धंधा शुरू किया है माँ दिन दूनी रात चौगनी तरक्की हो रही है देख माँ हाँ। तेरी दया से मैंने एक गाड़ी और खरीद ली अरे वाह लेकिन माँ सबसे पहले तुझे और धर्म भैया को इस गाड़ी में बिठा के तीर्थ यात्रा ले जाऊंगा मैं ओ बेटे तू कितना अच्छा है तीर्थ स्थान जाने के बाद तू तो अपने पाप धो लेगा लेकिन तेरे पाप धुलने के बाद तीर्थ स्थानों को क्या होगा वो बेचारे अपने पाप धोने कहाँ जाएंगे गोविंदा धनेश्वर को तू अपनी तरह समझता है कॉलेज में वो तेरी तरह दंगा फसाद नहीं करता समाज सुधार के काम कर रहा है और गांव में एक मंदिर भी बनवा रहा है मंदिर समिति का चेयरमैन हमने धर्म भैया को बनाया और सारा चंदा माँ के पास जमा करा वाह 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 वा। बड़े घाघ हो गुरु चंदे के सारे पैसे का गड़बड़ और घोटाला तुम कर जाओगे और फंसेंगे मेरे बड़े भैया और मेरी मैया मेरी मैया ये गोविंदा हमें हमेशा गलत समझता है हट चोर बचपन में हमारी माँ मर गई हम तुझे अपनी मैया समझते और धर्म भैया को अपने भैया समझते गोविंदा देख माँ ये क्या कर रहा है ओए ओए देखो ना माँ बेचारा बड़े भैया की खेती में काम करते करते कितना पतला दुबला और मरतुकड़ा हो गया है ये तेल लगाना नहीं छोड़ेगा हम तो तेरे प्यार की खातिर आते हैं और ये हमें जल्लीकट्टू सुनाता है कोई और कहे तो गोली मार दे सुनाने दो देखो हमने तुम्हें हमारा भाई बनाया ना चलता है ऐसे ही मजाक कर रहे थे अरे मैया हमने तो शहर से कुछ साधुओं को हवेली में बुलाया ओ, लो आजकल साधुओं के पीछे पड़ा कितना बास मारता है अच्छा धर्म भैया ये मेरा बेटा जो है ना देवता है देवता आहा कोई देवता देवता नहीं है काला नाग है काला नाग जितना झुकता है उतना ही गहरा काटता है देख लेना एक दिन सारी दुनिया जान जाएगी कि वो धर्म का अवतार है हरिओम दिनेश्वराय नमः हरिओम दिनेश्वराय नमः जो धर्मात्मा होता है हसीनाएं उन्हीं के गोश में होती हैं अरे मेरे यार की अदा तो देखो एक हाथ में सुराही और दूसरे हाथ में सुराहीदार गर्दन भी पीले पीले हरि नाम का प्याला प्रकाश कुछ बूंदे इधर भी अरे मेरा चुन्नु मुन्नु तुम तो जानते हो हम हर चीज मिल बांट कर खाते हैं बाद में बचा खजा तुम भी खा लेना परंतु किंतु चिंतु कपड़ों की तरह आप यार भी तो बदल डालते हैं धन्ना बाबू आजकल आपने धर्म को अपना भाई और उसकी माँ को अपनी सगी माँ बना रखा है चंपी करा लो चंपी राधेशाही चंपी बादशाही चंपी किसानी चंपी माँ तुम कहो तो तुम्हारी भी चंपी कर दूं चुप चुप बस तुम दोनों भाइयों की जोड़ी इसी तरह सलामत रहे तो मैं समझूंगी कि गंगा नहाए अबे मालिश कर रहा है अरे क्या हड्डी तोड़ रहा है मेरी ना तो मैं हड्डी तोड़ रहा हूँ ना ही मैं मालिश कर रहा हूँ फिर क्या कर रहा है मैं तो भाई चमचागिरी कर रहा हूँ चमचागिरी हाँ
जब से तुमने उस उल्लू के पट्टे धनेश्वर से दोस्ती कर ली है, उसे अपना भाई बना लिया है, मुझे तो फिकर लग गई है कसम से। अबे वो तो मेरा मुंह बोला भाई है, लेकिन तू तो मेरा लहू है, लहू। हाँ, वो तो डांस कंपटीशन? हाँ। मैं चला। अरे किधर? अरे मैं चला डांस कंपटीशन के रेसर के लिए। अरे मेरा सर कौन दबाएगा? मुझे माफ कर दो, कल दबा दूंगा। अरे भाई, रेसर मेरे सर। अरे सुन, मैंने देखा तुझे, तुझको आई
झूम, आ मेरे होठों को चूम, आ मेरी बाहों में झूम, आ मेरे होठों को चूम, अब ना जुदा होंगे हम। गीता गगन और झूमे जमीन, मैं हूँ कहीं और दिल है कहीं, मेरा ही दिल मेरे बस में नहीं, झूम के जब मैं नाचूं यहाँ, झूमे गगन और झूमे जमीन, आ मेरी बाहों में झूम, आ मेरे होठों को चूम, आ मेरी बाहों में झूम, आ मेरे होठों को चूम, अब ना जुदा होंगे हम। गीता आ गया यार कसम से डांस कंपटीशन के अंदर, ये तो गीता ने भी डांस बहुत अच्छा किया था। छेलू का जो ग्रुप था ना, छेलू का, वो तो साले भांड की तरह नाच रहे थे। भी देखने दे। अबे देख ले आखिरी बार देख ले, इसके बाद ये घोचू लोग इस इलाके में नजर नहीं आएंगे। चलो तो मचा रही है। बस दिन भर मधुमक्खी की तरह घर के कामकाज का छत्ता बुनने में लगी रहती हो। देखो आज तुम्हारी गीता ने कॉलेज में इनाम जीता है, धूम मच गई हमारे नाम की। गीता, तुम्हारे इस इनाम जीतने से मुझे बहुत खुशी हुई। दीदी, आज ये इनाम मुझे तुम्हारी वजह से मिला है। खुद बिना पढ़ी लिखी रहकर घर का सारा काम देखती हो तुम, और बापू को मजबूर करके मुझे कॉलेज में दाखिल करवाया। तेरा नाम सारी दुनिया में रोशन हो जाए, इसलिए भगवान के सामने रोज दिया जलाती हूँ। सारी जिंदगी दूसरों के लिए दिए जलाती रही, अपने लिए तो कभी सोचा ही नहीं। इनाम इसे मिला है और खुश हो रही है तू। ये तो वही बात हुई कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इसलिए हमने तुम्हें घर से निकाल देने का फैसला क्या? किया है। क्या कहते हो बापू? भाई मेरा मतलब है इसका रिश्ता एक जगह पक्का कर दिया। हाँ हाँ, मेरी बहन गाय है गाय, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी अहरे गहरे को रस्सी थामने दूंगी। पहले लड़के को मैं देखूंगी। कौन है बोलो? अरे तुम मुझे बुद्धू समझती हो? अरे अपने पड़ोस के गांव में अवंती बहन का लड़का धर्म सिंह। धर्म सिंह यानी गोविंदा का भाई? लेकिन तुम गोविंदा को कैसे जानती हो? जी जी, वो मेरे कॉलेज में पढ़ता है, बड़ा अच्छा लड़का है। आप चट मंगनी पर ब्याह कर दीजिए गोविंदा के साथ। हाँ नहीं, मेरा मतलब धर्म सिंह। ओ धर्म सिंह। शिवम माधुरी तमो सर्व पापम प्रणीत दिव्याक्रम रवि शंकरारम शिरो सोम नमामि शशि सोम संभुक्तम भूषम धरणी गर्भ संभुतम शांति कुमार। क्या लग रही है? क्या जोड़ी लग रही है ना? वो देख अगर क्या कर रही हो? क्यों सुबह से जो भी आ रहा है मेरा कोट खराब करने के पीछे पड़ा हुआ।
पहले बच्चे आए थे उन्होंने खराब किया, फिर दादाजी आए उन्होंने खराब किया, और अब तुम इसमें बुरा मानने की क्या बात है? तुम्हें तो मालूम है कि मुझे मजाक मजाक में सच बात करने की आदत है। मैं नहीं बोलूं। अच्छा सुनो, चलने की इतनी जल्दी है, कहो तो तुम्हारे भी फेरे करवा लूं। थोड़ा अपना भी ख्याल रखा कर यार। अबे वो तेरी शादी में तू मेरा ख्याल रखना। गुरु क्या ये कंचन का है, ऐसे कुंवारी मर जाएगी? चुप है भैंस है, चुप है। इस दुनिया में ऐसा कौन सा बहादुर बाप होगा जो इस टैंक के नीचे अपनी बेटी को दे देगा? फसले और कुत्ते के की। जी? इसके हाथ इतने खूबसूरत हैं, तो चेहरा कितना खूबसूरत होगा। धन्ना बाबू अभी तो आपने इसके रूप का ट्रेलर देखा है, जब आप इसके रूप की पूरी फिल्म देखेंगे ना तो आपकी तो बांछे खिल जाएंगी। कल मुंह दिखाइए। हाँ वही मुंह दिखाई में आंखें चार कर लेंगे। चल हवा कर। भाभी मेरा नाम गोविंदा है, मैं हूँ तुम्हारा इकलौता डालडा लाडला देवर। बहुत ही आवारा है ये, कई बार हमारी मटकी फोड़ी है इसने। मटकी फोड़ता है ना, और तो कुछ नहीं फोड़ता ना। ये फजूल बकबक किए जा रही हो। अरे भाभी आगे वो खुद देख लेंगे कि मैं कैसा हूँ। चलो भाभी जल्दी से टीका लगा। चलो मेरी भाभी माँ। तुम्हारा पांव इसलिए छुआ कि तुम बन गई हो मेरी भाभी, और तुम्हारे हाथ में है घर की चाबी। तो जरा बंदे का ख्याल रखना, दाना पानी ठीक से देते रहना, और भैया की सहेलियों की बातों में तो बिल्कुल मत आना। ये क्या बोल गया? मेरा मतलब है कि दीदी की सहेलियों की बातों में बिल्कुल मत आना। मैं दोबारा पांव छूता हूँ, माफ करना। सारा गांव जानता है कि मैं कितना शरीफ आदमी हूँ। मैं चलता हूँ। आइए धन्ना बाबू। अरे खजूर की तरह आधा अकड़ के क्यों खड़ा है? हाँ ये क्या खड़े होकर तिलक लगाएगी तुझे? चल नीचे बैठ। भाभी को मालूम होना चाहिए हमारा मुकाम गोविंदा से भी ऊंचा है। हम धर्म भैया के दोस्त भी हैं और भाई भी, और सबसे ऊंची भेंट लेकर आए हैं। असली सोने का है ये हार। असली माल पाने के लिए कुछ तो मेहनत करनी पड़ती है। अरे काहे नखरे दिखा रहा है तू? मालूम है तू गांव का जमींदार है, बैठ नीचे। चलो हम ही झुक जाते हैं, मगर एक शर्त है भाभी, हमारा ये हार हमेशा गले में झूलता नजर आना चाहिए। कर दे तिलक बहू, ये मेरा बेटा बना हुआ है। भैया गजब हो गया। अरे भैया दरवाजा खोलो, गजब हो गया भैया। भैया क्या हुआ? दरवाजा खोलो, दरवाजा क्या खोलो। हुआ? वो ऐसी कोई खास बात नहीं है, वो हमारा कुछ रह गया है भीतर। क्या रह गया? वो भाभी अरे भैया एक वो बात करने लगी थी, एक बात करनी थी। अरे बात ये करनी थी भैया, अरे चरण दास को पीने की जो आदत ही ना होती, तो आज मियां बाहर और बीबी अंदर कभी ना सोती ना सोती। अरे जल्दी काहे की पड़ी है? अबे घोचू सुहागरात मेरी है, तेरी थोड़ी। अरे भाभी मुझसे क्या पर्दा? पर्दा तो बड़े और बूढ़ों से किया जाता है, बूढ़ों से भैया से करना है। मुझे शक्ल दिखाओ, शक्ल दी। चल बाहर निकल, बाहर निकल। दरवाजा खुल गया, मैं अंदर था दरवाजा खुल गया, कोई बात नहीं। भैया अंदर दरवाजा खुल जाए, छी 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 छी, मैं नहीं देख सकता। अरे मैं नहीं, अरे अच्छा भैया भैया अच्छा भैया मुझे तुमसे बात करनी है, तुमसे आधी इम्पोर्टेंट बात कर लो। अच्छा भैया गुड नाइट।
हैप्पी सुहागरात, बेस्ट ऑफ लक, जम गया हा? और सुनो, कोई कितना भी दरवाजा ठोके, दरवाजा खोलना नहीं, और मैंने जो दूध दिया है ना, जरूर पी लेना। मैंने उसमें नींद की गोलियां मिला रखी है, पी लेना। हा? धन्ना बाबू गए काम से, गोरी दुल्हनिया ने डाल दिया दिल पे डक्का। हाय, चिलमन से दिखा के जलवा जालिम ने, कर दिया घायल जालिम ने। हाय उल्लू के पट्टे, कवा गधे, धर्मू के हाथ गया, और हम साले दिल महसूस कर रहे। परंतु किंतु चिंतू, दिल महसूसने से क्या फायदा? धन्ना बाबू आप देवर तो बन ही गए, धीरे धीरे उंगली पकड़ते पकड़ते पहुंचा पकड़ लो। अरे इतना सबर कहाँ है, हम तो सीधे पहुंचा ही पकड़ लेंगे। पाए लागू भौजी, भैया को खाना खिला के आ रही हो क्या? तुम्हारे भाग पर भी तरस आता है भौजी, ऐसी फूलों जैसी कोमल काया, और ये चिलचिलाती धूप में तुम काम कर रही हो। कसम से भौजी, हमें अगर भगवान मिल जाए तो हम उसकी ऐसी तैसी कर दें। मतलब भगवान से भी जबर हो तुम? और नहीं तो क्या। अच्छा भौजी, अब तुम ही न्याय करो। हमारे पास इतनी बड़ी हवेली है जिसमें मखमल की मुलायम मुलायम सेजे हैं, जिस पर अपनी ये भरपूर जवानी लिए हम रातें करवटें बदल बदल कर काटते हैं, और इधर तुम इतनी नाजुक काया लिए हुए धूप में झुलस रही हो। भौजी लाओ तुम्हारा बोझ हम उठा। अरे नाराज हो गई, हम तो तुम्हारे देवर ही हैं, गोविंदा के जैसे ही है, तुम तो जानती हो। जानती हूँ, मगर तुम नहीं जानते कि देवर भाभी का रिश्ता माँ बेटे का रिश्ता होता है। अरे राम राम राम, भाभी भाभी मेरे ख्याल तो बहुत पवित्र थे, भाभी जीप में छोड़ आता हूँ। एक ना एक दिन तो मैं एक घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। कहाँ थी तुम? माँ जी के पैर दबा रही थी। ओहो, माँ जी के साथ तो पूरा दिन बिताती हो, कम से कम रात का वक्त तो मेरे साथ बिताओ। हाय 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 हाय, ओ तुम्हारी यही अदाएं तो मुझे बर्बाद कर। अरे ओहो, कहाँ से आ गया तू? वो क्या था कि एक जरूरी काम आ पड़ा था। हाँ, वो माँ कह रही थी कि तुम भाभी को लेकर गाँव जा रहे हो। हाँ जा रहा हूँ, तो मुझे जाने देना, मेहमान नवाजी भी हो जाएगी और मेरा दिल भी फैल जाएगा, प्लीज। ठीक है, काम है मुझे शहर में, ठीक है तुम ही ले जाओ। ले जाओ? हाँ चलो। अरे नहीं नहीं भाई, अभी नहीं, अभी कहाँ से ले जा रहे हो, कल ले जाओ, परसों ले जाओ, तरसों ले जाओ। हाँ तो कल सुबह सुबह 4 बजे भोर में तैयार हो जाना, मैं लेने आ जाऊंगा। ठीक है, अभी सो जाओ। कल तो तुम जा ही रही हो। वो गुड नाइट तो गुड नाइट, गुड नाइट तो बोला, भूल गया, गुड नाइट, गुड नाइट। जल्दी दरवाजा बंद कर देना तो आ जाएगा अंदर। बंद नहीं करोगे तो मैं गया। अरे जीती रहो बेटी, जीती रहो। अरे बेटी, चिट्ठी न तार न टेलीफोन, ये तुम अचानक कैसे आ गई? बस पिताजी मिलने को मन चाहा तो मैं आ गई। ओ बेटा प्रणाम। जीते रहो जीते रहो, बैठो 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 बैठो। अरे बेटी गीता, अरे देखो तो कौन आया है। जी बाबूजी। चाय पानी का बंदोबस्त करो, पवित्रा और गोविंदा आए हैं। गोविंदा आओ भैया, तू ठीक तो है ना? तेरा घर कैसा है, तेरी सास कैसी है? सास नहीं बापू, वो तो मेरी माँ है। माँ सच वो मुझे इतना प्यार करती है कि कभी किसी बात की कमी महसूस नहीं होने देती।
वो घर नहीं स्वर्ग है स्वर्ग। और बापू गोविंदा मेरा इतना ख्याल रखता है कि बस पूछो ही मत। बेटी तुझे खुश देखकर दिल को तसल्ली हो गई। भगवान गीता को भी तेरी तरह का घर दे दे तो मेरा ये जीवन सफल हो जाए। बापू गीता और गोविंदा की जोड़ी कैसी रहेगी? अरे बेटी तूने तो मेरे मुंह की बात की। ऐसा हो जाए तो क्या बात, फिर तो मैं सीधा गंगा स्नान के लिए। बापू एक चम्मच नमक, एक चम्मच नहीं दो चम्मच मिर्ची, ये लीजिए आपकी चाय। जी 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 नहीं, मैं घर से पी कर आ रहा हूँ। घर में तो रोज ही पीते हो, यहाँ भी पी लो, आखिर आप तो हमारे मेहमान हैं। अच्छा आखिर, अच्छा तो ठीक है तो पी लेता हूँ, आप भी क्या याद करेंगे। बैठ के बताओ। हाँ हाँ बैठिए ना। थैंक यू। चाय टेस्टी है ना? बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है, बल्कि इसमें टेस्टी टेस्ट भरा हुआ है। हमारे गांव में कभी आइएगा, आपको इससे ज्यादा टेस्टी चाय पिलाऊंगा। अजी आप चाय तो क्या, जहर भी पिला दे तो हंसते हंसते पी जाऊंगा। वैसे आपकी चाय किसी जहर से कम नहीं थी, फिर भी देखिए हंस रहा हूं। ठीक है भाई ठीक है, पी लेता हूं। नहीं, तुझे मेरी कसम।
चला गया। क्या हुआ बहू? बहुत दर्द कर रहा है। आजा इधर आके बैठ जा, मैं निकाल देती हूँ। लो इनसे मिलो, ये कचरा निकालेंगे, हटिए। अटका भी तो कहाँ अटका, कुछ समझ में नहीं आया। इसे कहते हैं देवर भाभी का सच्चा प्यार। क्यों धर्म भैया, कितने प्यार से आंखों में आंखें डालकर बैठे हैं। आ गया कचरा। तुम हमें गाली दे रहे हो? नहीं मैं तुम्हें गाली की दूं, मैं इसे कचरा क्यों कहूं? भला मुझे कचरे को कचरा बोलने की क्या जरूरत है? मेरा मतलब है कि जब भी मुझे इस घर में कचरा नजर आया है, मैंने उसे निकाल दिया है। नहीं होता क्या, छोटे छोटे कचरा होता है ना, वो बड़ी बड़ी मुसीबत खड़ी कर डालता है। इसलिए जब भी मुझे कचरा नजर आता है, मैं उसे निकाल डालता हूँ, साफ कर डालता हूँ। ऐसे मेरी आंख में कचरा, धर्म भैया मेरी आंख में से कचरा निकालो। अबे गया ही नहीं तो निकालेंगे कहाँ से? इतनी चीनी खाता है फिर भी हरकतें कड़वे करेले की तरह करता है। अबे अगर इतनी चीनी खानी है तो चाय पीता क्यों? चीनी खाना। इस पापी का वस्त्र मैं अपने शरीर पर हरगिज नहीं पहन सकती, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। गोविंदा इसका घर में आना जाना बंद नहीं हो सकता? अरे भाभी अब तुमने आज्ञा दे दी तो देखो मैं क्या करता हूँ। इसका आना और जाना तो क्या, इसका खाना पीना उठना बैठना नहाना धोना सब बंद करवा दूंगा। ये साड़ी हम नहीं लेंगे और अंधा मैं कुछ नहीं लाना। धन्ना बाबू क्यों दुनिया को जा रहे हो आधी रात को? क्या कष्ट है सरकार, कुछ हमें भी तो बताओ। हमारी बेइज्जती कर दी गई, 1700 रुपए फूक के दमदमाती चंदेरी साड़ी लाए थे मगर छुआ तक नहीं। अरे मुंह दिखाई पे 10,000 के हार की बलि चढ़ा दी, ब्रश तक नहीं पहना, रात सती सावित्री बनती है। भाभी, अरे बहन जी। अरे कैसी हैं आप, आपकी ट्रांसफर हो गई? दीदी हाँ, हम लोगों की यहाँ पोस्टिंग हो गई है, वो थाने का चार्ज संभालने चले गए और मैं यहाँ आ गई। लेकिन गोविंदा ये सब क्या नौटंकी हो रही है यहाँ? दीदी राधे श्याम की प्रेम लीला को नौटंकी का नाम देकर गड़बड़ कर रही है ना। आप बैठ जाइए, बैठ जाओ। हाँ तो हम कहाँ थे? हम यहाँ थे। रात पूनम की बनी सुहागन, चांद का मुखड़ा चुमके, नींद से चौक पपीहा बोला क्या, उमरे पीहा से मिलना चुमके, उमरे पीहा से मिलना। चमचा आ गया। बंस बोर ताला दिमाग चाटू, हमें भीतर नहीं आने दोगे क्या? बिल्कुल भीतर आने नहीं मिलेगा, आज से इस घर के कायदे और कानून बदल गए हैं, बाहर के लोग बैठक में बैठेंगे, चलो। वेरी गुड, मगर हम तो घर के भौजी के पैर छूने आए हैं। आए हैं नहीं, आए थे। क्या है कि जो पाव है ना वो तीज और त्योहार के दिन छुए जाते हैं, रोज रोज नहीं। क्या है कि ये जरूरी भी तो नहीं कि जो आदमी तेल लगा के चप्पट कंघी करता हो वो शरीफ आदमी हो। बैठक बैठक। वैसे तुम्हें तेल कौन सा लगाते हो? सूअर की चर्बी का है क्या? देखो तो घासलेट का होगा, तो पपलेट का होगा। अच्छा जो भी होगा यार बैठक में बैठो। दूर दूर। क्या है कि भैया और माँ घर में नहीं है, तो अगर तुम्हें बैठक में बैठना है तो अपनी ये बैठक इधर घुमा के बैठक में जाके बैठ जाओ। वो रहीम भीतर और हम बाहर। क्या है कि हमारे घर में सिर्फ राम और रहीम को ही एंट्री मिलती है, रावण को नहीं। मैं रावण? नहीं नहीं, तुम रावण कैसे? रावण तो बहुत विद्वान आदमी था। देखो तुम अब हमें शिक्षा मत दो, धर्म भैया मेरे कहे बगैर एक कदम नहीं उठाते, माँ अपने मुंह का निवाला निकाल कर मुझे खिला देती है और तुम मेरा अपमान कर रहे हो। भाभी भाभी तुम्हें गवाही देनी पड़ेगी, धर्म भैया के सामने गवाही देनी पड़ेगी कि मेरा अपमान किया इसने। इसमें मान अपमान की क्या बात है, बैठक में बैठने के लिए तो कह रहे हैं, तुम बाहर जाकर बैठो, धर्म आता ही होगा। ठीक है हम सब समझ गए, रहीम भीतर और हम बाहर। अरे अब हम इस घर में कभी कदम नहीं रखेंगे, कभी नहीं आएंगे। गांव में एक घर तो गंदे कदम से बचा, साला कितना गंदा तेल लगा था, हाथ धोना पड़ेगा। ये क्या कह रहे हो तुम? हम सच कह रहे हैं भैया, पिताजी नहीं रहे, घर के एकदम इकलौते हैं, इसलिए तुमको बड़ा भाई मानते हैं। इन माँ के बच्चे, तुम्हारी माँ ने हमें ममता दे दी,
तो हम तुम्हारे घर आ गए भैया, वरना हमें किस चीज की कमी है, किस चीज की कमी है हमको, क्या स्वार्थ है हमारा भैया? हम कभी तुम्हारी देरी पे पाँव नहीं धरेंगे, कभी तुम्हारे घर नहीं आएंगे भैया। अरे हमारी तो बहुत बेइज्जती हो गई भैया। धनेश्वर, ये तुम्हारा अपमान नहीं, हमारा अपमान है। माँ, कौन ना कहे? कॉलेज अपना रिजल्ट लेने गया है, क्या है? अब हमें क्या उसके इशारों पर चलना होगा? वो इस घर का मुखिया है क्या, जो उसके बनाए हुए कानून पर हमें अमल करना होगा? आखिर बात क्या है, मुझे भी तो कुछ बता। बात ये है माँ कि धनेश्वर आपकी इज्जत करता है, आपका आशीर्वाद लेने आता है। हाँ। इस गांव का इज्जतदार आदमी है, वक्त बेवक्त काम आता है। उसका अपमान करके गोविंदा ने उसको घर से बाहर निकाल दिया। हाँ। क्यों? ये झूठ है। और उस वक्त घर में मैं मौजूद थी, उसने उसे बैठक में बैठने को कहा था। और वैसे भी पर पुरुष को पराए घर के चौखे तक घुसना नहीं चाहिए। मंजूर है, मान गया तुम्हारी बात, लेकिन जब रहीम इस घर में बिना रोक टोक के नाच और गा सकता है तो उस बेचारे धनेश्वर ने क्या बिगाड़ा? वो तो मेरा दोस्त है, मेरा भाई है। आपका दोस्त है तो आपका दोस्त बना रहे, मगर हम औरतों से दोस्ती ना गाठे। गांव की सभी औरतें कहती है कि उसका चरित्र ठीक नहीं है। मैं सब जानता हूँ कि गांव की कौन कौन सी औरतें ये बातें करती है, ये सब मिली भगत है। एक शरीफ आदमी को यूं ही बदनाम किया जा रहा है, गोविंदा की तरह उसका नाम किसी लड़की के साथ नहीं जुड़ा आज तक। भैया मैं पास हो गया। भैया मुंह मीठा करो, गोविंदा पास हो गया। अरे क्या बात है भैया, तुम नाराज हो हमसे? हम लोगों ने कोई अपराध किया क्या? जब तुमने हमको इज्जत नहीं देने का फैसला कर ही लिया तो हम तुमसे संबंध क्यों रखें? धनेश्वर इस घर में कदम नहीं रखेगा, उसी तरह हम तुम्हारे दोस्त रहीम को इस घर में कदम न रखने दे तो? जिस तरह रहीम तुमको प्यारा है उसी तरह धनेश्वर हमको, वो चूल्हे चौके तक जा सकता है, और मैं जो इस घर का बड़ा हूँ मेरा दोस्त नहीं, क्यों? भैया इस इलाके में 10-10 कोस दूर तक लोग जानते हैं कि रहीम कितना शरीफ आदमी है। मतलब यह कि तुमने कह दिया कि ये शरीफ है और धनेश्वर नहीं, और हम मान ले। गोविंदा तुम हद से बाहर जा रहे हो। भैया गुस्सा ठंडा करो, हमें देखने से अगर तुम्हारा जी जलता है तो आइंदा इस घर में हम कभी नहीं आएंगे, लेकिन हमारी एक ही इल्तिजा है कि गोविंदा और आप दोनों एक ही लहू एक ही माँ के जाए हो। मुसीबत में ना मैं काम आऊंगा ना धनेश्वर काम आएगा, तो सिर्फ तुम्हारा अपना लहू काम आएगा। भैया भैया मत जाने दो से, रोक लो से, प्लीज भैया रोक लो। कान खोल कर सुन लो गोविंदा, तुमने मेरे दोस्त का अपमान किया है, तुमको उससे जाकर माफी मांगनी होगी, तब रहीम इस घर में आ सकता है। भैया ये तुम्हारी सजा है। मैं तुम्हारे कहने पर कुछ भी कर सकता हूं, किसी के भी कदमों पर नाक रगड़ सकता हूं, सिर्फ तुम्हारे कहने पर। लक्ष्मण की तरह अपने सीने पर शक्ति झेल सकता हूं, लेकिन उस पापी धनेश्वर के सामने नहीं झुक सकता। वो कमीना है, कुत्ता है, नीचे साला। भैया भैया मुझे गलत मत समझो, मैं तुम्हारा भाई हूं, भाई कोई दुश्मन नहीं हूं। कोई दुश्मन नहीं हूं मैं तुम्हारा। वाह राम की मजा आ गया, टका गई जहीट, बच गई युद्ध के नगाड़े। वाह परंतु किंतु चिंतु, इससे आपको क्या मिला? हाँ जी इससे आपको क्या मिला? आगे आगे देखो, धर्म और गोविंदा के इस घर का होता है क्या? एग्जाम में पास क्या हो गए, मुझसे मिलने तक नहीं आए। बोलो क्यों नहीं आए, कितने बेचैन थे हम। मैं बहुत परेशान हूँ गीता, भैया ने उस कमीने धनेश्वर की वजह से उससे बोलना तक छोड़ दिया है, यहाँ तक के देखते भी नहीं मेरी तरफ। भाई से भाई का कभी झगड़ा होता है क्या? आज नहीं तो कल जीजा जी का गुस्सा उतर जाएगा और फिर सब ठीक हो जाएगा। चल मोटू तक मार,
लैला मजनू की तरह मोहब्बत की कबड्डी खेल रहे हैं। अब गीता को पवित्रा बना दूंगा। तू वो कैसे? गीता को पवित्रा कैसे बनाओगे आप? वैसे मत पूछ। गीता और पवित्रा में फर्क ही कितना है? अब मेरी गोली गीता के कंधे से चलेगी और घायल होगी पवित्रा। कमीने, कुत्ते, नालायक तेरी ये मजाल। मारो मारो भैया और मारो, हमें तुम जान से मार डालो। ऐसा पवित्र दृश्य देखने के बाद हम तो खुद ही जिंदा नहीं रहना चाहते। झूठे, मैं तेरी जबान खींच लूंगा। ऐसी गंदी बात करते हो, शर्म नहीं आई तुझे? अरे भैया, आजकल तो सच बोलना ही पाप हो गया। हम तो आए तुम्हें आगाह करने और तुम हमें मार रहे हो। अरे तो लूट ले दो घर की इज्जत। याद रखना, अगर ये बात सच नहीं निकली तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। भैया, तुम में सच्चाई देखने की हिम्मत है? अगर है हिम्मत तो आओ भैया, आओ मेरे साथ। अरे दादा, ये क्या कर रही हो? बकरी दूध देगी मैंगने डाल के, गाय दूध देगी लात मार के, और लड़की पप्पी देगी धक्के मार के। चल बैठो बैठो, छोड़ दो ना। अरे कौन दीदी? कैसी दीदी? कैसी दीदी? कौन है दी? दी दीदी, तुम्हारी दीदी यानी कि भाभी। ओ भाभी, ओ बात के। अरे अरे, शर्माते क्यों हो? तुम दोनों की शादी तो मैं बहुत जल्द करवाऊंगी। भाभी वो तो सब ठीक है, लेकिन ये माने तब ना कहा गई। ओ भाभी, दरअसल बात क्या ठीक है? भाभी तू तो सब समझती है। अरे भाभी तू कितनी अच्छी है। अरे तो देख लो गोविंदा का असली रूप, देख लो। अरे मुझे रिवॉल्वर दो, लाओ। नहीं भैया, नहीं, ऐसा मत करो भैया, बहुत अनर्थ हो जाएगा। इससे ज्यादा अनर्थ और क्या हो सकता है जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। ला मुझे रिवॉल्वर दे दो, मैं आज इसे खत्म कर देता हूँ। नहीं भैया, नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। आप गुस्से में आप खून कर देंगे तो क्या होगा? फांसी हो जाएगी, उसकी मुझे परवाह नहीं। रिवॉल्वर दो। भैया भैया, फांसी से बड़ी चीज है इज्जत। जरा सोचिए, सारे गांव में आपकी बदनामी हो जाएगी। बीवी भाई सब मिल जाते हैं, मगर गई हुई इज्जत नहीं मिलती। भैया और मेरे साथ मेरे घर चलो। भैया चलो। घोर कलयुग आ गया है भैया, किस पे आदमी भरोसा करे, किस पे ना करे। सगा भाई मां समान भाभी के साथ। भैया भैया, क्या कर रहे हो? मेरे रास्ते भैया, से भैया। कमीने, मुझे भाई कहते हुए तुझे शर्म नहीं आते? दगाबाज नीच जलील कुत्ते, मैंने अपना खून पसीना एक किया है, सारा सुख चैन तुझ पर निछावर किया है, और बदले में तूने मेरी पीठ में खंजर खोपा है। ये क्या कह रहे भैया? अपने गिरेबान में झांक कर देख। देवर भाभी का रिश्ता माँ बेटे का रिश्ता होता है, लेकिन तूने उस रिश्ते को धब्बा लगा दिया है। कमीने, ये पापी काम करने से पहले तू मर जाएगा। ये तुम नहीं, तुम्हारी दारू बोल रही है। आपकी सौगंध भैया, अगर आपकी जगह कोई और होता तो आज खून में नहा जाता। बख्शा तो मने है तुझे, घर की मान मर्यादा आड़े आई, वरना तेरे टुकड़े टुकड़े करके चील और कौओं को खिला देता। ये लो और मार डालो मुझे, निकाल लो अपने अरमान, टुकड़े टुकड़े कर डालो मेरे और खिला दो चील कौओं को। लेकिन सती सीता जैसी मेरी भाभी पर कलंक मत तो। मैं पूछता हूं, इतना घिनौना इल्जाम देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उस कमीने धनेश्वर की संगत में रहकर कितने गिर गए हो तुम, कितने गिर गए हो? एक तो चोरी और ऊपर से सीना जरी, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हरामखोर, यह
ये क्या हो गया है तुझे? किस राक्षस की नूह सवार हो गई है तुझ पर? एक ही माँ की चाय होकर उसी की आंखों के सामने अपने खून की होली खेलोगे? फेंक दे ये कुल्हाड़ी, मैं कहती हूँ फेंक दे, फेंक दे। हट जाओ माँ, हट जाओ। माँ, इसने तेरी कोख को कलंक लगाया, आज मैं उसे इसके लहू के साथ धोऊंगा। आगे तुझे लहू की ही प्यास है तो मेरा लहू पी ले, अपने गुस्से की आग मुझ पे शांत कर ले बेटे। पर एक भाई दूसरे भाई के लहू का प्यासा बने, यो मैं हर किस नहीं देख सकती। मार दे मुझे, मार दे मुझे, मार दे बेटे, मार दे, मार दे मुझे। चला जा इस घर से, अपना काला मुंह लेकर जा। नहीं नहीं बेटे, मेरे होते हुए तू इस घर से नहीं जा सकता। नहीं माँ, अब नहीं, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा। माँ सुना भैया तुमने, मैं जा रहा हूँ, नहीं रहूंगा मैं इस घर में। अरे भैया, अगर तू मुझे जान से मार कर इस जमीन में गाड़ भी देते ना, तो मुझे कोई अफसोस नहीं होता, मुझे कोई अफसोस नहीं होता। लेकिन जाने से पहले मेरी बात हर आदमी सुन लो, ये मेरी भाभी नहीं, ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ। राम ने लक्ष्मण पे कभी नजर बिठाया, राम ने लक्ष्मण पे कभी नजर बिठाया, हाँ पैरों के कहने पे अपनों का टूट गया। भाभी माँ के रिश्ते पे ये कैसा कलंक लगाया, भाभी माँ के रिश्ते पे ये कैसा कलंक लगाया, माँ की ममता जी थी खैर कलयुग आया, खैर कलयुग आया। तेली माँ की तरह खड़ी तमाशा देखती रही, और ये भाई, ये भाई नहीं दुर्योधन है, दुर्योधन मेरे फूल जैसे भाई को घर से निकालते हुए तुम लोगों को जरा शर्म नहीं आई? बोलो चुप क्यों हो? और इस बेचारी भोली भाली गाय पर कलंक लगाते हुए तेरी जबान क्यों नहीं कट गई? उसमें कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? और अब यहाँ बैठे किस बात का मातम मना रहे हो? जवाब दो। दीदी, औरत के पास अस्मत के सिवा और क्या होता है? अच्छा होता ये सीता की तरह लोगों के बीच मेरी भी अग्नि परीक्षा ले लेते। अच्छा होता अगर मैं ही मर जाती, कम से कम ये दिन तो नहीं देखने पड़ते। पता नहीं ये आग किसने लगाई। बेचारा गोविंदा न जाने कहां भटक रहा होगा। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो मेरी बेटी को।
तुम लोगों ने इन मासूम औरतों पर हाथ उठाया तो तुम्हारा हाथ काट कर गले में लटका दूंगा। अपने अपने बंदूकें फेंक कर बाहर आ जाओ। अगर किसी ने होशियारी करने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। भाग गए साले। बेटा तू तो शक्ति का अवतार है, अगर तू वक्त पे ना आया होता तो ये घर बर्बाद हो जाता। भगवान तेरी उम्र 100 बरस की करे। अपन तो तेरे को दुश्मन समझा था मगर तुम तो दोस्त निकले यार, माफ करना। दोस्त अपनी जिंदगी में किसी से दुश्मनी नहीं। हाँ दुश्मनी है तो बुराई से, बदनीयती से है, लेकिन तुमने मुझे दोस्त कहा है तो मेरी एक बात याद रखना, हमारा देश, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति हमें यही सीख देती है कि जब भी किसी की माँ, बहन या बेटी की इज्जत लूटी जा रही हो तो मर मिटना, लेकिन उसे माफ मत करना। जो माफ कर दे वो कायर है, बुजदिल है, वो एक बहन का भाई नहीं, एक बेटी का बाप नहीं, अपनी माँ का बेटा नहीं, इस धरती का बेटा नहीं। तुम दिलेर ही नहीं महान इंसान भी हो, मगर तुम्हारा ये हाल लगता है जिंदगी में कुछ वांदा हुआ है। हाँ दोस्त कुछ ऐसा ही है, किस्मत ने मुझे बिल्कुल दरबदर का बना दिया है। मुझे खुद मालूम नहीं कि मैं कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा। बेटा तुम जैसे फरिश्ते को तो मंदिर में बिठा के पूजना चाहिए। बाजी मुझ पत्थर को कोई मंदिर में बैठा कर क्या पूजेगा, मैं तो खुद एक मंदिर का ठुकराया हुआ इंसान हूं। अगर ऐसी बात है दोस्त तो आज के बाद तुम अपुन के साथ रहेगा। हाँ बेटा। दीदी ये सब कैसे हो गया दीदी, धर्म भैया तो गोविंदा से इतना प्यार करते थे तो फिर गोविंदा इस तरह घर छोड़कर क्यों चला गया। लगता है भगवान हमसे रूठ गया है। जिस घर में खुशियों के फूल बरसते थे वहां अंगारे बरसने लगे और इसकी लपेट से मैं और गोविंदा दोनों झुलस गए। एक गोविंदा ही था जिसे मैं अपना सुख दुख कहकर मन हल्का कर लेती थी। गीता जाने से पहले तुमसे तो मिला होगा, कहां गया है वो। नहीं वरना मैं उसे हरगिज नहीं जाने देती, कभी नहीं। लेकिन उसने तो मुझे भी पराई समझा। वो एकाएक इतना कठोर क्यों हो गया दीदी। अच्छा मैं चलती हूं।
दिल पे मेरे लिख दो सनम कि तुमको हमसे प्यार है। हमको तुमसे प्यार है, हमको तुमसे प्यार है, हमको तुमसे प्यार है, हमको तुमसे प्यार है। छोड़ो कागज छोड़ो कलम मेरे लहू से लिख लो
मेरे लहू से लिख लो सनम, हाँ हमको तुमसे प्यार है, हमको तुमसे प्यार है, हमको तुमसे प्यार है, हमको तुमसे प्यार है। चले गए थे गोविंदा? भैया ने जिस तरह से बेइज्जत करके मुझे घर से बाहर निकाला, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। नहीं गोविंदा, ऐसा मत सोचो, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, तुम मेरे साथ ही रहोगे। नहीं गीता, अभी तो मैं छेनू के साथ उसके गाँव गंगापुर में रह रहा हूँ। क्या तुम मुझे गैर समझते हो? नहीं गीता, ये बात नहीं, लेकिन सबसे पहले मुझे उस कमीने के साथ हिसाब किताब करना है जिसने हमारे घर को आग लगाई। धर्म भैया, धर्म भैया, घर में कोई नहीं है। अच्छा, घर में कोई नहीं है? हाँ, धर्म भैया खेत में गए होंगे, माजी मंदिर में गई होगी। अरे क्या बात है पवित्रा भाभी, बड़ी उदास नजर आ रही हो। अरे हमसे कहो, हम भी तो गोविंदा से कुछ कम नहीं है। तुम तो गोविंदा के पाँव की धूल भी नहीं हो, चले जाओ यहाँ से। भाभी वैसे बड़े दुख की बात है, बिना इज्जत दिए इज्जत नीलाम हो गई। अब अगर मैं तुम्हारी इज्जत ले लूं भाभी, तो मुझे आज कौन रोक सकता है? धनेश्वर, धनेश्वर, अरे कहाँ जा रहे हो? अरे रुको तो सही। माँ, क्या बात है धनेश्वर, ऐसे क्यों? अरे क्यों रो रहे हो तुम लोग, क्या हुआ? पीछे तूने गोविंदा पे झूठा कलंक लगाया, आस्तीन का सांप तो वो पापी धनेश्वर है, आज उसने अपने घर की इज्जत पर हाथ डालो। माँ ये क्या कह रही हो? सच कह रही हो बेटे, अगर मैं ना आती तो आज डर खो जाता। धनेश्वर, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। धनेश्वर, ओए धनेश्वर, किधर है तू हरामखोर? धनेश्वर, मर्द का बच्चा है तो बाहर निकल, आज मैं तुझे नरक पहुंचा के ही छोड़ूंगा। धनेश्वर, कहाँ है धनेश्वर, कहाँ है? वो तो समझ से नहीं है जी। तुझे नहीं मालूम कहाँ है? नहीं नहीं मालूम। नहीं, टूटा तो उसका चमचा है, कहाँ है वो? नहीं जी, मुझे नहीं मालूम, मैं तो उसका चमचा हूँ। मैं चमचा मत मारो जी। कहाँ है वो? मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता जी, नहीं पता। कहाँ भागेगा तू धनेश्वर, कहाँ? चींटी के भी पर निकल आए हैं, वो यहाँ आया था मुझे मारने। अरे वो मुर्दा मुझे क्या मारेगा, मैं खुद ही उसे मुर्दा बना दूंगा, और कोई सबूत भी नहीं मिलेगा। Thank you.
थानेश्वर से दुश्मनी का मजा। थानेश्वर पवित्र रानी, अब तेरा क्या होगा? भाभी, ये सब क्या हो गया? कैसे हो गया? किसकी नजर खा गई मेरे भैया को? किसने मारा भैया को? भाभी, ये सब क्या हो गया? हम तो महतम पूछने के लिए आए थे यहाँ पे। झूठे! तुम हत्यारे हो, हत्यारे हो! जीजा जी, कर लो गिरफ्तार, चढ़ा दो फांसी पर, सूली में लटका दो, तभी मेरे दिल की आग ठंडी होगी। बाजी! गोविंदा, तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हारे घर पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। नहीं छेनू, कह दे के झूठ है। छेनू, छेनू तुझे मेरी दोस्ती की कसम, कह दे के झूठ है। गीता का टेलीग्राम है दोस्त, और आज एक बात बोलता हूँ, उस हरामजादे धनेश्वर को खत्म कर दे जिसने तेरे भाई का कत्ल किया है। ये ले गोविंदा, उड़ा दे उस हरामजादे को। मेरे जीते जी मेरे भाई का खून बह गया। कसम है मेरे भाई, तेरे खून के बहे हुए एक एक कतरे की उस आस्तीन के सांप का सर मिट्टी में रौन दूंगा। धनेश्वर कुल घातिक कुत्ते, गोविंदा तेरा काल बनकर आ रहा है। धनेश्वर की शान में गाओ, सबको गाकर सुनाओ कि धनेश्वर धर्म का अवतार है। आज से तू गोविंदा की महफिल में नहीं, मेरी महफिल में गाएगा। हमने जब भी गाया है खुदा की शान में गाया है, खुदा के नेक बंदों के लिए गाया है। तेरे जैसे नीच और कमीने के लिए गाकर मैं मालिक के शान में गुस्ताखी नहीं कर सकता, समझे? गोविंदा के वफादार कुत्ते, इससे पहले कि मुझे बहुत गुस्सा आ जाए, गाओ। मुझे खुदा समझकर गाओ, मेरी शान में गाओ। शान तो ईमान वालों की होती है कुत्ते, तेरे पाप का घड़ा भर चुका है, किसी भी वक्त फूटने वाला है, समझे? बहुत जल्दी फूटने वाला है। धन्ना बाबू, जरा इधर तो देखिए। तुझे मैं अभी मार के रंग में भंग नहीं डालूंगा, पहले उस हसीना के साथ मौज मजा करूंगा, फिर तुझे जान से मार दूंगा। ले जा बदमाश कुत्ते को। अरे चल चल, मर गए मारने वाले। मारा मारी छोड़ो, इस भरपूर बल खाती जवानी से नाता जोड़ो। ये कली कश्मीर से चली भोपाल में पलियर, आपके आगोश में खिलेगी खिलेगी। अच्छा, ये तो
बिजली है बिजली। ए बिजली तेरा चमक के दिखाओ ना। कि जिस इंसान का तूने कत्ल किया उसका लहू अभी तक जिंदा है। मेरा लहू इतना सफेद नहीं हुआ कि अपने भाई की मौत का बदला न ले सकूं। भाभी का बहुत बुरा हाल है।
रहे, मेरा भाई मर गया, भाई मर गया। गोविंदा, ये सब क्या हो गया भाभी? ये सब क्या हो गया? ये सब देखा बेटा, तेरे जाते ही सारा घर उजड़ गया। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा सिम्मा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जान से मार डालूंगा उसे, जान से मार डालूंगा उसे। नहीं बेटे, मैं हूं ना माँ, मैं हूं। गोविंदा, अपने आप को मेरे हवाले कर दो। नहीं बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? इसने रोनकी को गोली मारकर कानून को हाथ में ले लिया है। नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर कानून के इतने सच्चे पहरेदार हो तो जाकर धनेश्वर को गिरफ्तार क्यों नहीं करते? एक हत्यारा पुलिस और कानून को चकमा देकर दिन दहाड़े सीना तान के घूम रहा है, आखिर क्यों? उसके खिलाफ जुर्म का कोई सबूत नहीं, जबकि गोविंदा ने भरे लोगों के बीच गोली चलाई है। देखो गोविंदा, तुम्हारी भलाई इसी में है, तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो। अगर तुमने मेरे भाई को हाथ भी लगाया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। प्रीति, बचपना मत करो, मेरे रास्ते हट जाओ। नहीं, हट जाओ मेरे रास्ते। जा गोविंदा, भाग जा, जा। मैं कहता हूं हट जाओ। मेरे भाई भाग जा। मैं जा रहा हूं मां। रुक जा गोविंदा, वरना गोली मार दूंगा। थानेदार साहब, बेहतर होता कि आप ये गोली इस गांव की हिफाजत के लिए चलाते, लेकिन अब जो काम महापौर आपका कानून नहीं कर पाया वो गोविंदा करके दिखाएगा। आ जाओ। इस घर का एक चिराग तो पहले ही बुझ गया और अब आप पूरे घर में अंधेरा करना चाहते हैं क्या? कैसे रिश्तेदार हैं आप? तब कहा था आपका कानून जब मेरा सुहाग मिटाया गया? आज तक मेरे पति का कातिल क्यों नहीं पकड़ा गया? बहादुर हो तो आओ, हो जाए दो दो हाथ। बहुत गरूर है अपने आप पर, अभी देखता हूं कितना दम है तुम्हारे बाजुओं में।
तुम बहादुर हो और बहादुरों की हम कदर करते हैं। रौन की बतिया सरकार, तो रौन की मरा नहीं? हाजी वो बतिया रौन की के बच जाने से गोविंदा साला तो बच ही जाएगा, साथ साथ रौन की भी हमारा दुश्मन बन जाएगा, इसलिए साहेब रौन की मर गया। क्या? ओह नो गोविंदा, तुम अपने आप ही फंसते जा रहे हो। गोविंदा, मां का प्रसाद लो मेरे भाई, मां की शक्ति तुम्हारी रक्षा करेगी। ये अरे ये क्या किसी की रक्षा करेगी? इसके हाथ में है ही क्या जो ये रक्षा करेगी? हाँ ये सब झूठ है, ढोंग है, बकवास है सब। ऐसा मत कहो मेरे दोस्त, ये सारी दुनिया ऐसी शक्ति के इशारे पर ही तो चल रही है। तो क्या धनेश्वर जैसे पापी भी इसी शक्ति माँ के बलबूते पर धरती माँ का सीना रोंद रहे हैं, इंसानियत के पीठ में खंजर घोंप रहे हैं? और तुम्हारी ये माँ, तुम्हारी शक्ति माँ आंखें मीट कर सो रही है, देखते देखते हमारा हंसता हंसाता सुखी संसार उजड़ गया, लेकिन तुम्हारी शक्ति माँ की पथरीली आंखों में हंसू तक ना। मैं नहीं मानता तुम्हारी इस माँ को, मैं नहीं मानता इस शक्ति माँ को, और अगर यह है भी तो सिर्फ पापियों और जालिमों को पना देती है, इंसानों को नहीं। ये धरती पे जुल्म जब जब बढ़ता है तो माँ की आंखें कायरों की भीड़ में छुपे हुए किसी ऐसे सच्चे माई के लाल की तलाश करती हैं, जो माँ की परीक्षा की कसौटी पर खरा उतरे। और शायद वो माई के लाल तुम हो। क्यों? मुझे इसी बात का तो दुख है कि मैं माँ की कसौटी पे खरा नहीं उतरा। मेरे भाई, तुम्हें शक्ति का इस्तेमाल डाकू बनकर नहीं बल्कि एक मिसाल बनकर करना होगा। माँ तुम्हारे रोम रोम में शक्ति भर देगी। अगर ये माँ है तो इसके सीने में वो धड़कता हुआ दिल होना चाहिए जो बेटे के दर्द और उसकी कसक का एहसास कर सके। शायद माँ ने तुम्हें हमारे पास इसीलिए भेजा है। माँ को प्रणाम करो और आशीर्वाद दो। जय अंबे माँ। बारा कुत्ते, कहाँ छुप कर बैठा है? चूहे की तरह छुपता क्या है? बारा साले, लगता है भाग गया कुत्ता कहीं का। सरदार वो भाग गया, सिर्फ माल मिला। मुझे माल नहीं, मुझे धनेश्वर चाहिए। बड़े साहब, मैं कहीं का नहीं रहा, मैं बर्बाद हो गया। गुंडे गोविंदा ने मेरा पुश्तैनी मकान तोड़ फोड़ डाला, सब लूट लिया। अब तो नौबत ये है साहब, जान बचाने के लिए रातों को खेतों में छुपना पड़ता है, और हमारे इलाके की पुलिस साहब उनके कानों पे तो जू तक नहीं रेंगती साहब। क्या बकते हो? झूठ कहे तो गोली से भून दो, हमारा क्या? हम तो गांव छोड़कर शहर में बचाएंगे, अगर दिन दहाड़े डकैतियां पड़ी तो पुलिस की इज्जत का क्या होगा? वैसे भी पुलिस की बदनामी कुछ कम नहीं है माई बाप। क्या मतलब है तुम्हारा? हमारी पुलिस सो रही है। सोई है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, मगर भाई भतीजावाद बहुत चल रहा है साहब। गोविंदा का जीजा ही हमारे थाने का इंचार्ज है और उसी की पनाह में हमारा सारा गांव तबाह हो रहा है साहब। तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल सच कह रहा हूँ हुजूर। ठीक है, मैं खुद वहां जाकर देखता हूँ। खुदा आपको 100 बरस की उम्र दे। एक खास बात और हुजूर, कल रक्षाबंधन है और गोविंदा अपनी बड़ी बहन को बहुत मानता है, तो उससे राखी बनवाने जरूर आएगा, आप वहीं उसे पकड़ सकते हैं। नहीं गोविंदा, पुलिस को शक है कि तुम बहन के घर पर राखी बंधवाने जरूर जाओगे, इसीलिए वहां पर पुलिस का कड़ा बंदोबस्त है। मैं और मेरे साथी भी तुम्हारे साथ चलेंगे। नहीं विक्रम, मैं अपने लिए तुम लोगों की जान जोखिम में नहीं डाल सकता। एक मेरी बहन ही तो है जिसने हमेशा मेरा साथ दिया है। मैं राखी बनवाने जाऊंगा और अकेला जाऊंगा। हे भगवान, एक भाई तो मेरा तूने पहले ही छीन लिया,
अब गोविंदा की रक्षा करना। चाहिए था भैया, त्योहार तो बार बार आते हैं लेकिन जिंदगी, जिंदगी तो दोबारा नहीं मिलती मेरे भैया। तेरे भैया की जिंदगी उसकी बहन से बढ़कर नहीं। चल 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 इसे राखी बांधे चल। राखी तो बंधवा चुके गोविंदा, आप हथकड़ी बंधवाने के लिए तैयार हो जाओ। खबरदार चालाकी नहीं वरना सीना छलनी कर दूंगा। जीजा जी मुझे बचा लीजिए। खबरदार गोविंदा छोड़ दीजिए, मैं कहता हूँ छोड़ दीजिए मुझे। रुकिए गया साला, पर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं गोविंदा।
पकड़ा क्या? निकल गई हेकड़ी साले की। एक एक करके मेरे सारे कांटे साफ हो गए। पवित्र रानी, अब तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। बहू, गाय भैंसों को अंदर बांध दे, लगता है तूफान आने वाला है। जी माँ जी। ए राम, जब मैंने तुम्हारा हाथ थामा था, तब अगर मेरी बात मान ली होती तो आज तुम सुहागन भी होती और हमारी प्राण प्यारी भी। मगर तुम तो सती सावित्री हो ना, इसलिए हमारी बात नहीं मानी, अपनी इज्जत का बाजार में जुलूस निकलवाया। आज तुम्हारे देवर जी जेल में सड़ रहे, और पति वो तो परमेश्वर को प्यारे हो गए। अब मुझे कौन रोकेगा? कोई नहीं। नहीं, मत छुओ मुझे, मत छुओ मुझे, बच जाओ। चिल्लाओ और जोर से चिल्लाओ, जी भर कर चिल्लाओ, तुम्हारी ये आवाजें लौट कर तुम्ही को डराएगी।
क्यों नहीं बहू? बोल बहू क्या हुआ? हाय भगवान, सारे कपड़े फट गए हैं। बहू बोल क्या हुआ? किसने तेरी ये हालत बनाई बिटिया? बोल बहू, बहू बोल बेटी, बोलती क्यों नहीं बहू? हे भगवान, ये तू क्या कर रहा है हमारे साथ? भगवान, क्यों हमसे अन्याय कर रहा है? बिटिया बोल बेटी, बोल। भाभी क्या हो गया तुम्हें? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? भाभी बोलो ना भाभी। दीदी ये क्या हुआ दीदी? बहन जी ये सब क्या हो गया? बेटी बेटी गीता आई है तुझसे मिलने के लिए। दीदी मेरी तरफ देख। दीदी मैं गीता हूँ, तू मेरी तरफ देखती क्यों नहीं? दीदी बोलना। दीदी नहीं, ये हमारी यारी के नाम पर धब्बा है, तोहीन है, तोहीन डाके हमने भी डाले हैं। खून की होली खेलना हमारा पेशा है। दुहाई माँ ज्वाला देवी की, किसी की इज्जत आबरू हमने नहीं लूटी। मैं इस पापी तरिंदे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं विक्रम, ये गोविंदा का कर्ज है, ये उसी को उतारने था। गोविंदा जेल में है, हमें उसे निकालना है। पवित्र हो? कौन कहता है कि तुम अपवित्र हो? भाभी तू तो पावन गंगा की तरह पवित्र। नहीं, नहीं। दूसरों के पाप की सजा अपने आप को मत दो भाभी। तेरे चरणों की सौगंध, मैं उस चांडाल को ऐसी सजा दूंगा कि वो मरने के बाद भी जन्म जन्म तक भूल नहीं पाएगा। सजा तो मैं दूंगी, इसीलिए तो जिंदा रही। बस तुम्हारा ही इंतजार था, वरना मेरे दिल की ज्वाला शांत नहीं होगी। तुम्हारे सीने की भड़कती हुई ज्वाला में मैं उस पापी के लहू की आहुति दूंगा। चलो भाभी आओ मेरे साथ। धन्ना बाबू चोर है, पापी है, इसने पवित्रा भाभी की इज्जत लूटी और राजा ने कितनी लड़कियों की इज्जत लूटी इसने। धर्म भैया रौनकी का खून भी इसी ने किया है। इसको पकड़ो, मारो। ये नहीं हो सकता। गोविंदा जेल तोड़कर भाग आया है। ठीक है, अब मैं ये खेल ही खत्म कर दूंगा। गोविंदा किसी ने हिलने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा।
भाभी नहीं, नहीं भाभी। दर्द बड़ा ही होता है।